नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएमपी झारखंड। क्योंकि जो हकीकत है वो दिखेगा, तो हम आइए चलते हैं विजुअल की तरफ। अरे यही पुलिस का डंडा खाने से, हाँ कि देख रहे हैं ना, मोबाइल में घर में देख रहे हैं, पब्लिक को रोड में देख रहे हैं, और का देखे है, पेशाब भी करते हैं तो हेलमेट लगा के, मजाक नहीं, मैं पेशाब भी कर रहा हूँ हेलमेट लगा के, सब्जी खरीद रहा हूँ हेलमेट लगा के। तो इसका मतलब सोते भी होंगे हेलमेट लगा? नहीं, हेलमेट उसी से मैं खोलता हूँ। दो लाइन में इन्होंने हेलमेट का मतलब समझा दिया, लेकिन इस पे और लोगों ने क्या समझा, आइए जानते हैं। आज का विजुअल झारखंड वासियों के लिए सही में खास है, क्योंकि कुछ दिन पहले न्यूज में बहुत लोगों ने एक्चुअल में नहीं समझ पाए कि एक्चुअल ये न्यूज किस लिए दिया गया है, पेपर में सरकार ने क्या कहा, और लोगों ने बात को शायद नहीं समझा, जिसका रीजन है कि आज यातायात नियमों की धजिया उड़ाते सड़कों पे लोग दिखे विदाउट हेलमेट, ट्रिपल लोड, बहुत से ऐसे ओवर स्पीड लोग दिखे सड़कों पे। एक्चुअल हकीकत क्या है, न्यूज में क्या आया, किसी ने कुछ समझा ही नहीं, बस सरकार ने कह दिया कि 3 महीने चालान नहीं कटेगा। तो चालान नहीं कटेगा तो किस चीज का चालान नहीं कटेगा, वो शायद लोगों ने नहीं समझा। आज हमने लोगों से इस पे प्रतिक्रिया लिया है, लोगों ने क्या कहा है शायद आप भी सुनेंगे, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं शायद आपको लगेगा कि हम कोई बनावटी बात बोल रहे हैं, लेकिन हमारा मेन मकसद है आपको अवेयर करना, हर हमेशा सतर्क रहें। आप देखें ये हेलमेट पहनाते हुए पार हो रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। यदि आपके पास हेलमेट है तो पहने, नहीं है तो अलग की बात है, तो फिर पकड़े जाएंगे तो उसका फाइन कटेगा। किस किस चीज़ों पर फाइन कटेगा और क्यों कटेगा? और कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, पेपर में दिया गया है कि पुराना जो फाइन था उस पर कटेगा, तो आप गलतफहमी में ना रहें, नए जुर्माने जो लागू किए गए हैं वही एक्चुअल वैलिड हैं, नया जुर्माना ही आप पे लगाया जाएगा। उसमें मात्र 2 चीज़ का रियायत दिया गया है सरकार और प्रशासन की तरफ से, कि पोल्यूशन और इंश्योरेंस, यदि आपका नहीं है गाड़ी का तो इसको 3 महीने के अंदर बना लें, और पीछे जो लोग बैठे हैं हेलमेट जरूर लगाएं, आपकी सेफ्टी के लिए है। बहुत लोगों को खराब लगता है कि हम बताते हैं, तो हमारा काम है आपको अवेयर करना, आपको रूल को आप माने ना माने आपकी मर्जी, इसका भुक्तभोगी आप होंगे। कहां तक सही है कहां तक गलत है वो सबको जानता है, क्योंकि हम गाड़ी रखते हैं तो हम कम से कम अपने जो भी यातायात के रूल हैं, चाहे वो सरकारी लोग हैं प्रशासनिक लोग हैं, सबको फॉलो करना अनिवार्य है। अब आपको ये भी बताते चलें कि नया प्रावधान में एक नया एक्ट लागू हो गया है कि यदि सरकारी महकमा के कोई लोग हैं, प्रशासन के अधिकारी हैं, तो उन पर डबल जुर्माना लगेगा, तो अवेयर रहें। आइए अब कुछ लोगों से हम इस पर प्रतिक्रिया लेते हैं। इतना नियम टाइट होने के बावजूद भी आप लोग हेलमेट नहीं लगा, क्या सुने और क्या बताएंगे सर? थोड़ा जल्दी में थे इसीलिए भूल गए। फाइन कट जाएगा, 1000 रुपए का क्या फायदा होगा? नहीं, हम लोग लगाते हैं, पेपर चेक होगा तो अलग। नहीं, लगाते हैं और लगाएंगे। 3 महीने के लिए क्या चीज के लिए राहत दिया गया आपको मालूम है? हाँ, लाइसेंस, इंश्योरेंस, प्रदूषण। आप गलत फहमी में है ना, दो ही चीजें। क्या क्या? इंश्योरेंस और प्रदूषण। अच्छा, किन किन चीज़ों के लिए 3 महीने का वक्त दिया गया पता? आपका जो न्यू ट्रैफिक वायलेशन जो है उसको तो रिलैक्स किया गया है, एंड पुलिस को बोला गया है कि आप जागरूक करवाइए, जो आपका जो भी जो न्यू ट्रैफिक वायलेशन है, जैसे आपका पता नहीं है शायद, मेरे ख्याल से मात्र दो ही चीज़ पर पाबंदी है कि फाइन नहीं कटेगा, पोल्यूशन और इंश्योरेंस। हाँ हाँ, बस। हाँ, वो तो सबका फाइन कटेगा। हाँ, वो तो कटेगा, जो नॉर्मल पुराना वाला फाइन है वो कटेगा। बहुत लोगों को पता नहीं है, जानकारी के लिए बता दूँ मैं, हाँ नहीं कटेगा, तो बहुत लोगों को पता नहीं है इस चीज़ का अभी तक कि किस किस चीज़ों का फाइन कटना है, किस किस चीज़ों का नहीं कटना है। सरकार या प्रशासन के तरफ से किन किन चीज़ों पर 3 महीने का वक्त दिया गया? डीएल, ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस, और आपका इंश्योरेंस हो गया, डीएल हो गया, और क्या चीज़ आपको बता दें, हम डीएल नहीं है इसमें, ओनली इंश्योरेंस और पोल्यूशन है, बस बाकी सबका नया फाइन कटेगा। बहुत लोगों को पता नहीं, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं पेपर लोग पढ़े हुए हैं, पेपर में भी सर डीएल बनाने में इतना टाइम लग रहा है, तो सरकार को तो टाइम तो देना चाहिए ना सर। सर प्रोसेस इसका इतना लंबा है डीएल का। चलिए, डीएल को लेकर के काफ़ी लोगों में नाराजगी है, आप सुन सकते हैं, एक एक करके हम लोगों से बात करेंगे। अभी 3 महीने के लिए वक्त किन किन चीज़ों पर दिया गया? वक्त किसी चीज़ पे नहीं दिया गया है, सरकार अपना हिफाजत खुद करके चले। नहीं,
नहीं, वैसे भी वक्त जो दिया गया 3 महीने के लिए किन किन चीजों के लिए? सिर्फ कागज दुरुस्त करने के लिए। कौन कौन से कागज? जो भी कागज आपके पास नहीं है, गाड़ी चलाते हैं उससे संबंधित सभी कागज को आप दुरुस्त करेंगे। ओनली 2 पेपर, बाकी सबके फाइन कटेंगे। हाँ अच्छा, मुझे जानकारी नहीं है ये। बिल्कुल, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं बहुत लोगों को इस चीज़ की जानकारी नहीं है, तो हम इसीलिए विजुअल आपको दे रहे हैं अभी। इस पेपर के लिए 3 महीने का वक्त दिया गया। प्रदूषण और इंश्योरेंस सब। बिल्कुल, क्या और बाकी का फाइन कटेगा? क्या बोले? बाकी पेपर जो नहीं रहेगा वो फाइन कटेगा? बाकी रहेगा फाइन, बाकी नहीं रहेगा तो फाइन कटेगा। हाँ जी, कटेगा। बिल्कुल, कुछ लोगों को पता है कुछ लोगों को पता नहीं है, फिर भी हम जानकारी लिए जा रहे हैं। क्या आपको आज तक पता नहीं है व्हाइट लाइन के अंदर रहना? नहीं तो भी नहीं, हम लोग तो बोले गए हैं। बहुत लोगों को ये भी पता नहीं है कि हमको कहाँ खड़ा रहना है, जिसका नतीजा है कि फाइन कट रहा है। जो 3 महीने का वक्त दिया है, कौन कौन सा पेपर है आपको मालूम है सर? पेपर क्या है, वही है ढाक के 3 पात है। पेपर के नाम पर तो ये बिना मतलब का, जब जनता उग्र हो गई तो इन्होंने आनन फानन में नया रूल कानून किया। कोई पेपर नहीं है, चंदा उगाही का धंधा है। बिल्कुल, लोगों में नाराजगी भी है जैसा कि अभी आप सुन रहे हैं लोगों से, तो हर किसी की अपनी अपनी प्रतिक्रिया है, बोलने का आजादी है। नया फाइन अभी लगाया गया, क्या कहेंगे इस पे, सही है गलत है? गलत कैसे बोला जाएगा, इतना आपका दुर्घटना हो रहा है, यंग लड़का लोग डेथ करता है, कम है ये, कम ये दुर्घटना कम होना चाहिए। नया फाइन, हम एक चीज बताइए, यदि आपके पास सब चीज सही रहेगा तो भी क्या आपका फाइन कटेगा क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, जब मेरे पास पेपर कंप्लीट है पूरा तब तो नहीं कटा। बिल्कुल रखना चाहिए। गलत है कि सही है? ये पूरा करने के लिए ना, ना एकदम ठीक है। 3 महीना का जो रघुवर दास जो दिए हुए है छूट, इसे अपना अपडेशन करा लीजिए, पेपर तैयार कीजिए, सही बात है। आप लोगों की राय सुन रहे हैं, हम और भी लोगों से बात करेंगे इस पे। सभी पेपर के लिए है, सभी पेपर के लिए है, सभी पेपर है, लाइसेंस के लिए है, रजिस्ट्रेशन के लिए है, इंश्योरेंस के लिए है, पॉल्यूशन के लिए है। हम आपको बता दें इसमें लाइसेंस इंक्लूड नहीं है। नहीं, लाइसेंस भी है, क्योंकि लाइसेंस नहीं मतलब गाड़ी चलाना ही नहीं है, है कि नहीं? बिल्कुल, जैसा वैलिड कागज के कैसे चलाएगा कोई, ये तो है ही, तो सभी तो कटेगा, सभी का कटेगा। थैंक यू। बिल्कुल, जैसा कि अभी आप एक एक लोगों से जान रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि अभी तक एक्चुअल रांची में बहुत लोगों को, नाम मात्र के लोगों को पता है कि एक्चुअल फाइन कटेगा नहीं कटेगा, तो कटेगा अभी तो किस चीज़ का कटेगा, आप एक एक करके लोगों से सुन रहे हैं। 3 महीने का जो वक्त दिया गया है, किस किस चीज़ों के लिए? हेलमेट आगे और पीछे दोनों पहनने के लिए, लाइसेंस पेपर सारा अप टू डेट करने के लिए। लाइसेंस अभी आपके पास नहीं रहेगा तो फाइन कटेगा नहीं कटेगा? कटेगा, कटना चाहिए। इसके लिए फाइन नहीं कटेगा, नहीं भी रहेगा तो फाइन नहीं कटेगा? तो नहीं बता सकते, नहीं पता। आप सुन रहे हैं, लोगों को अभी तक पता नहीं है कि किस चीज़ों पे फाइन अभी नहीं कटेगा, एक्चुअल अभी किसी को ये बात पता नहीं है। 3 महीने के लिए क्या चीज़ के लिए वक्त दिया गया? लाइसेंस, अपना सारा कागज सब ठीक कर लेने के लिए। अभी आपके पास लाइसेंस नहीं रहेगा तो फाइन कटेगा कि नहीं कटेगा? अभी तो नहीं कटेगा। कटेगा, कटेगा। ओनली 2 चीज माफ है, मालूम है आपको? नहीं। पॉल्यूशन और इंश्योरेंस। अच्छा, बहुत लोगों को पता नहीं है, आपको पता है 2 चीज का फाइन नहीं कटेगा? हाँ पता है, लाइसेंस का, पेपर का। नहीं मालूम है लोगों को, जैसा कि अभी आप सुन रहे हैं, अभी तक लोगों को पता नहीं है। तो हमारा विजुअल देने का यही मकसद रहा, मकसद है कि आप अवेयर रहें कि आपका फाइन किस चीज पे कटेगा और किस लिए कटेगा। पता है किस चीज का फाइन अभी कट रहा है और नहीं कट रहा है? ट्रैफिक रूल्स ना मानने का फाइन। अच्छा, ये जो अभी प्रावधान किया गया, सही है गलत? एकदम सही है, एकदम सही है। 2 चीज का फाइन नहीं कट रहा, आपको पता है क्या चीज है वो? हाँ, लाइसेंस, इंश्योरेंस और पेपर्स बनाने का टाइम दिया गया है। लाइसेंस नहीं है, इंश्योरेंस और पोल्यूशन। बिल्कुल, इनको पता है, जैसा कि इन्होंने आप इनसे आपने सुना कि पोल्यूशन और इंश्योरेंस 2 चीज का वक्त दिया गया है सरकार की तरफ से 3 महीने के लिए। ये तो नहीं पता, नहीं पता, नहीं मालूम, नहीं। जैसा कि आपको हम बता रहे हैं, किसी को पता नहीं हो पा रहा है कि जो सरकार की तरफ से 3 महीने का जो वक्त दिया गया, किस किस पेपर के लिए दिया गया है? आइडिया नहीं है। दो लोगों ने बोला कि 3 महीने चालान नहीं कटेगा। हाँ। किस चीज का चालान नहीं कटेगा? स्कूटी पेपर का और बाकी हेलमेट का और डबल हेलमेट का ना, शायद आपको पता नहीं है कि वो इंश्योरेंस और पॉल्यूशन। अच्छा, मैं तो बोले आइडिया नहीं है, हम पहले बोले।
जैसा कि आप सुन रहे हैं, सही में लोगों को पता नहीं है कि 3 महीने का जो वक्त दिया गया है वो किस लिए दिया गया है। पेपर, जैसे पॉल्यूशन अगर आपके पास नहीं है, गाड़ी के पेपर्स नहीं है, इन सारे पेपर्स के लिए आपको 3 महीने का टाइम दिया जाए। तो अभी आपने देखा, लोगों ने 3 महीने का वक्त सरकार के द्वारा तो दिया गया, लोगों ने क्या समझा? एक्चुअल लोगों ने कुछ समझा ही नहीं कि सरकार ने क्या कहा। और जिस दिन ये घोषणा हुआ कि 3 महीने का छूट दिया जा रहा है, तो ऐसी धज्जियां उड़ी राजधानी में कि लोग नियमों की सही में धज्जियां उड़ा दिए। और शहर के अंदर अंदर एक दिन में 3 एक्सीडेंट, जिसमें एक नाबालिग भी लड़का पकड़ा गया गोंदा थाना के द्वारा, एक्सीडेंट उसने भी किया, और एक पिस्कामोर में एक्सीडेंट हुआ और एक डोरंडा में एक्सीडेंट हुआ। तो ऐसे ना करें, आप नियमों के पालन करें, वो आपके ऊपर है। अब हम आ जाते हैं नगर निगम के बसों पे। कुछ दिन पहले हमने विजुअल दिया था कि किस तरह से ये भी नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, इनको देखने वाला कोई नहीं है। तो शायद कहीं ना कहीं अधिकारियों को ज्ञात हुआ, सभी पहुंचे, मेयर उपमेयर। जब हमने एक्चुअल नगर निगम की बसों की हकीकत दिखाई तो नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त सभी पहुंचे। कुछ इसमें सफर भी किए बसों में कि जितना सीट है उतना ही सवारी को बैठाएं, लेकिन आपके सामने हकीकत है। फिर से हम बोलेंगे, अवेयर रहें, SMP झारखंड पे अपडेट हर हमेशा पाते रहें। सही जानकारी, सटीक जानकारी यातायात को लेकर के हर हमेशा अवेयर रहें। अपना ख्याल रखें, देखते रहें SMP झारखंड। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद। Thank you.